हेलो दोस्तों, गेट्स मैशेज में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर का इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, जिससे आपको कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन की पूरी जो कहानी है वो समझ में आ जाएगी। क्योंकि स्टूडेंट्स करते क्या हैं, दे जनरली क्रैम द टॉपिक्स, और क्रैम करेंगे अगर आप कॉन्सेप्ट्स को तो आपको एक्चुअल जो सिनेरियो है वो वहां पे क्लियर नहीं होता। तो एक्चुअल सिनेरियो क्या है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर कैसे काम करता है, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम इंस्ट्रक्शन के फॉर्मेट को और होती क्या है इंस्ट्रक्शन एक्चुअल में, इन सारी बातों को यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। ये वीडियो आपको हेल्प करेगी कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर का नियर अबाउट 70-80% कंसेप्ट को समझने में। उसके बाद जो कॉन्सेप्ट है वो बाद में आप एक एक करके वीडियो समझ सकते हो, लेकिन एक्चुअल में कहानी पूरी क्या है, स्टोरी क्या है, वो हम यहां पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो एक्चुअल में कहानी स्टार्ट कहां से हो रही है, लेट्स से इफ आई राइट अ प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज, तो अगर मैं सी लैंग्वेज में सिंपल प्रोग्राम लिखता हूं, हैश इंक्लूड stdio मेन, और यहां पर लिखता हूं लेट्स से इंट ए इज इक्वल टू 10, इंट बी इज इक्वल टू 20, एंड लेट्स से इंट C is equal to A plus B। सिंपल मैंने एडिशन ऑफ टू नंबर्स का प्रोग्राम लिखा, जहां पे मैंने दो वेरिएबल्स लिए A और B, 10-20 उनमें वैल्यूज दी, एक C लिया, C में मैंने A plus B का सम डाला, एंड लेट्स से आई वांट टू प्रिंट द C वैल्यू, एंड दैट्स इट। मैं सिंपल सा एक प्रोग्राम यहाँ पे लिखा। तो मेन फंडा क्या है कि जब हम इस प्रोग्राम को सेव करते हैं, उसके बाद इसको क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं, इंटरप्रेट होता है, फाइनली ये कन्वर्ट होता है मशीन लैंग्वेज में, विच इज व्हाट, माइक्रो इंस्ट्रक्शंस। और वो मशीन लैंग्वेज को हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस में, मतलब ये जो है 10 और 20 ये है डेटा, और ये जो हम कर रहे हैं यहां पे ए प्लस बी, ये एक तरह से क्या है, इंस्ट्रक्शन है। क्योंकि इंस्ट्रक्शन में हम कर क्या रहे हैं कि आप ए और बी को लो, उनमें ये वैल्यूज असाइन करो, मेमोरी में ये वैल्यूज असाइन हो जाएंगी ए और बी को, एंड देन सी की वैल्यू में हम क्या कर रहे हैं, a प्लस बी को ऐड करके स्टोर कर रहे हैं, और उसके बाद हम c को क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं। तो ये सारी जो इंस्ट्रक्शंस हैं और डेटा है, इन दो चीजों को, डेटा और इंस्ट्रक्शन को, हम कहां डालते हैं, मेमोरी के अंदर। यही था वॉन न्यूमन्स जो आर्किटेक्चर है, कि हम डेटा और मेमोरी, डेटा और इंस्ट्रक्शन को मेमोरी के अंदर रखते हैं। तो कहानी आपकी यहां से स्टार्ट होती है, प्रोग्राम से। अब डेटा और इंस्ट्रक्शन कहां पे आ गई आपकी, मेमोरी के अंदर, मतलब रैम के अंदर अपने पास डेटा आ गया। ऐसा भी हो सकता है कि कई बार डेटा जो है वो रजिस्टर के अंदर भी आ सकता है, दो जगह है, या तो रजिस्टर में आ जाएगा या फिर वो कहां पे आ जाएगा, मेमोरी के अंदर। लेकिन जनरली वो हम पहले मेमोरी के अंदर लेके आते हैं, वहां से हम उनको कॉल करेंगे कहां पे, रजिस्टर के अंदर। क्योंकि ALU जो है, ALU परफॉर्म करेगा, ALU मतलब जो हमारा CPU है, CPU के अंदर क्या होता है, ALU एंड कंप्यूटर CU, that is what, control unit। तो ALU की responsibility है ये addition को perform करना, क्योंकि arithmetic logical unit, और जो CPU है वो directly किससे connected होता है, वो होता है set of registers से। हमारे पास registers जो है, different types of registers होते हैं, accumulator है, data register है, input register, output register, instruction register, different types of registers है। तो CPU जो है वो उन registers के साथ काम करता है, और data और instruction कहाँ पे पड़ी है, मेमोरी के अंदर। वो हम जनरली लाइक कॉन्टिग्यूस एलोकेशन भी कर सकते हैं, नॉन कॉन्टिग्यूस एलोकेशन भी कर सकते हैं, क्योंकि ये ब्लेंड है, ये मिक्सचर है अलग अलग कॉन्सेप्ट्स का। इसी वजह से स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता कि यार कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का फंडा क्या है, बेसिक फंडा क्या है, उसका जो बेसिक समरी है वो क्या है। तो इस वीडियो में आपको बिल्कुल बेसिक समरी डिस्कस हो जाएगी, यहां पे आपको पता लग जाएगा, क्योंकि यहां पे ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट भी यूज करते हैं, यहां पे हम डेटाबेस का भी यूज कर रहे हैं, यहां पे हम नेटवर्क का भी, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजीज हम यहां पे यूज करते हैं। तो यहां पे मैंने पहले क्या डिस्कस किया कि प्रोग्राम है, कंपाइल किया, और हमने डेटा और इंस्ट्रक्शन को मेमोरी के अंदर रख दिया। दिस इज अकॉर्डिंग टू द वॉन न्यूमन्स आर्किटेक्चर, जिसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप उसको चेक कर सकते हो। तो डेटा और इंस्ट्रक्शन मेमोरी के अंदर आ गई। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है, हमारा नेक्स्ट काम है उस इंस्ट्रक्शन को फेच करना। इंस्ट्रक्शन क्या बताती है, इंस्ट्रक्शन बताती है कि काम क्या करना है भैया। तो ALU को पता कैसे लगेगा, ALU जो भी काम करना चाहता है उसको पता कैसे लगेगा, उसके पास जब इंस्ट्रक्शन आएगी। जैसे हमारा ब्रेन है, ALU मतलब क्या है, हमारा ब्रेन है, लेकिन ब्रेन को पता कैसे लगेगा, हमारे जो सेंसर्स हैं वो क्या करेंगे, वो ब्रेन की तरफ कोई मैसेज जो है वो पास करेंगे, ब्रेन उसको प्रोसेस करके उसको कन्वर्ट करेगा कुछ एक्शंस में। वही काम हम यहां पे कर रहे हैं, हमारे पास डेटा आ गया, इंस्ट्रक्शन आ गई। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन जो करना क्या है, उसको हमने कॉल करना है, वो कॉल करके हमने ALU को देनी है। तो इसको बोलते हैं
हैं हम इंस्ट्रक्शन फेच करनी। तो इंस्ट्रक्शन यहां पे कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है। इंस्ट्रक्शन के अंदर हमारे पास अब आता है कि होता क्या है कि हम कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में 70-80% टाइम हम यूज करते हैं इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन साइकिल, पाइपलाइनिंग में भी इंस्ट्रक्शन। तो ये एक्चुअल में इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट क्या है? तो जो जनरल फॉर्मेट है इंस्ट्रक्शन का, उसमें क्या होता है, सबसे पहले होता है हमारे पास एड्रेसिंग मोड, एक होता है हमारे पास ओपकोड और एक होता है हमारे पास ऑपरेंड। ये जो तीन चीजें हैं ये मैंडेटरी है, दैट इज व्हाट मोड, विच इज व्हाट एड्रेसिंग मोड। एड्रेसिंग मोड का फंडा क्या होता है कि जिस ऑपरेंड को आप ढूंढ रहे हो, ऑपरेंड मतलब डेटा कि आपने 10-20 किस डेटा के ऊपर काम करना है, जिस डेटा को आप ढूंढ रहे हो वो मेमोरी के अंदर कहां है, वो मेमोरी के अंदर किस एड्रेस में है या वो रजिस्टर के अंदर है, रजिस्टर में किस एड्रेस में है, कहां पे वो पड़ा है, उसका एड्रेस हम कहां पे रखते हैं, यहां पे रखते हैं। ऑपकोड क्या होता है? ऑपकोड बताता है कि परफॉर्म क्या करना है। जैसे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें प्लस करना है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, शिफ्ट करना है, जो भी हमने काम करने हैं वो है ऑपकोड। तो यहां पे एड्रेसिंग मोड से हमें पता लगता है, जो हम डिटेल में करेंगे इस वीडियो के बाद कि एड्रेसिंग मोड्स कौन-कौन से होते हैं, बट एक जनरल सा कॉन्सेप्ट मैं दे रहा हूं यहां पे कि एड्रेसिंग मोड बेसिकली बताता है एड्रेस। आप किसी बंदे को ढूंढ रहे हो तो आपको उसका एड्रेस पता करना है, तो कई बार क्या हो सकता है कि आपका डेटा जो है वो डायरेक्टली पड़ा हो, मतलब आपका जो डेटा वो कांस्टेंट है और वो डायरेक्ट यहीं पे पड़ा है। हो सकता है वो डेटा नहीं यहां पे पड़ा, यहां पे मेमोरी का एड्रेस पड़ा है कि आप उस एड्रेस पे जाओ और डेटा उठा लो। ऐसा भी हो सकता है कि यहां पे रजिस्टर का एड्रेस पड़ा है, आप उस रजिस्टर पे जाओ और उस रजिस्टर से डेटा उठा लो। ऐसा भी हो सकता है कि आप एक मेमोरी लोकेशन पे जाओ और वो मेमोरी लोकेशन आपको अगेन एक एड्रेस दे रहा है, फिर आपको एक दूसरे एड्रेस पे जाना है, वहां से भी उठा सकते हैं। इसको बोलते हैं हम इनडायरेक्ट काइंड ऑफ एड्रेसिंग। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग मोड बताते हैं कि जिस ऑपरेंड को, जिस डेटा को आप मेमोरी के अंदर ढूंढ रहे हो, क्योंकि ए और बी जैसे ही आपने डिक्लेयर किए ना, ए और बी को हमने मेमोरी में कुछ एलोकेशन कर दी, वो एलोकेशन कहां की है, उसका एड्रेस यहां पे होगा। ये एक्चुअल में कहानी। और ऑपकोड क्या है कि आपको करना क्या है, एडिशन करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है, सब्ट्रैक्शन क्या परफॉर्म करना है, ऑपरेशन, वो ऑपरेशन यहां पे है। तो ये तीन चीजों का मिक्सचर जो है वो क्या बनता है, एक इंस्ट्रक्शन जो है वो बनती है। अब होता क्या है, इस इंस्ट्रक्शन को मेमोरी में जहां पे भी पड़ी है हम उसको फेच करके क्या करते हैं, रजिस्टर के अंदर लेके आते हैं, और रजिस्टर में हमारे पास एक स्पेशलाइज्ड रजिस्टर होता है, दैट इज इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इसके बारे में भी मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर हमारे पास जो है इंस्ट्रक्शन आती है, इस इंस्ट्रक्शन को हम क्या करते हैं, उसको हम खोलते हैं, मतलब उसको डीकोड करने की कोशिश करते हैं, फिर हम फाइंड आउट करते हैं कि ऑपरेंड कहां पे है, जहां पे ऑपरेंड है वहां से ऑपरेंड को लाएंगे, उस ऑपरेंड को हम एक्यूमुलेटर में लेके आएंगे या डेटा रजिस्टर में लेके आएंगे, वहां पे ALU क्या करेगा, उसके अंदर एडिशन परफॉर्म करके और फाइनली आउटपुट रजिस्टर को वो एडिशन दे देगा, और आउटपुट रजिस्टर क्या करेगा, प्रिंटर को या मॉनिटर को वो डेटा दे देगा, और फाइनली आपका रिजल्ट जो है वो 30 जो है वहां पे प्रिंट हो जाएगा। तो ये पूरी की पूरी कहानी है। अब यहां पे फोकस आपको करना है ये इंस्ट्रक्शन के ऊपर। अब क्वेश्चन आता है कि ये इंस्ट्रक्शन की जो साइज है, जो लेंथ है, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? पहली बात, वो डिपेंड करती है टाइप ऑफ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब अगर आपका सिंगल एक्यूमुलेटर सिस्टम है, वो जनरली यूज करते हैं हम सिंगल एड्रेस, उसमें क्या होगा, एक ऑपरेंड का ही एड्रेस होगा। जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है आपके यहां पे दो ऑपरेंड हो, तीन ऑपरेंड भी हो सकते हैं, थ्री एड्रेस इंस्ट्रक्शन भी हो सकती है। तो जितने एड्रेस ज्यादा होंगे उतनी ही लेंथ आपकी बढ़ती जाएगी, किसकी, इंस्ट्रक्शन की। और अगर इंस्ट्रक्शन की लेंथ बढ़ेगी तो ऑब्वियसली इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का भी साइज बढ़ेगा, और अगर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का साइज बढ़ेगा तो बस का भी साइज बढ़ेगा। हमने बस के बारे में भी डिस्कस किया हुआ है, क्योंकि ये सारी वीडियोस आपस में रिलेटेड है, कॉमन बस, क्योंकि ये जो भी हम कह रहे हैं ना कि मेमोरी से हम रजिस्टर में लाएंगे, रजिस्टर से हम ALU को देंगे, ALU से हम रजिस्टर में देंगे, ये जो सारी चल रही है ना, ये कहां पे ट्रेवल हो रहा है डेटा, बस के ऊपर। तो कॉमन बस जो यहां पे यूज कर रहे हैं, वो कॉमन बस का जो लेंथ होगा वो भी इसी इन्हीं चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा। तो हम इस वीडियो के बाद डिस्कस करेंगे यहां पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन यहां पे आपको पता लग गया कि ऑपकोड मतलब करना क्या है, ऑपरेंड किस डेटा के ऊपर काम करना, उसका एड्रेस कहां पे है, और मोड बताएगा कि वो एक्चुअल में है कहां पे, वो एड्रेस एक्चुअल में क्या बता रहा है, क्या वो मेमोरी का एड्रेस है, क्या वो रजिस्टर का एड्रेस है, क्या वो डायरेक्ट ऑपरेंड है, ये आपको बताएगा मोड। तो ये एक बेसिक
बेसिक सी स्टोरी आप कह सकते हो एक तरह से। इस स्टोरी को अगर आप माइंड में रखेंगे ना तो आपको कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बिल्कुल इजी लगेगा, क्योंकि आपका जो 60-70% सिलेबस है ना वो इसी के ऊपर ही बेस्ड है। और स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ते नहीं है कि इंस्ट्रक्शन क्या होती है, कहाँ पे यूज करते हैं, कैसे फेच करते हैं, कहाँ पे यूज कर रहे हैं और फाइनली कैसे आउटपुट बनती है, वहां पे जाके जब कंफ्यूज हो जाए तभी जाके उनको ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में जो ऑपरेंड है, यहाँ पे एक ऑपरेंड का एड्रेस होगा, दो ऑपरेंड का एड्रेस होगा, तीन ऑपरेंड का एड्रेस होगा या जीरो ऑपरेंड, मतलब इसको बोलते हैं जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन, वन एड्रेस, टू एड्रेस, थ्री एड्रेस, ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, ये कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन की जो टाइप है उसके ऊपर डिपेंड करती है। सो थैंक यू।